बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। डेली रूटीन व्लॉग में खुश आमदीद। तो प्यारे व्यूअर्स, ये डॉग है, इसको पहले भगाना पड़ेगा, मुझे बहुत तंग कर है। तो गोड जैसे डरी है, तो आज मैं इस गोड की मिल्किंग करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो ये जो गोट मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गोट है, बगैर सिंग के गोट है। तो मॉर्निंग गोट जिसको बोलते हैं, वाइट और ब्लैक, माशाल्लाह बहुत क्यूट प्यारी सी गोट है। इसकी मिल्किंग करूँगी, तो मिल्किंग करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो नई मेरी वीडियो को देखने वाले हैं प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसके थन, इसको बाहर जो छोटा बच्चा चराने के लिए लेके आया हो, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी बाहर ही मैं मिल्किंग करूं। तो उसके बेबी जो घर हैं उन्होंने दूध यानी पिला के लाया, अभी कम ही इसके थनों में दूध है। तो इसकी मिल्किंग जो है बहुत सख्त है, इजीली मिल्किंग इसकी नहीं हो रही। इसका दूध जो बहुत बाहर नहीं आ रहा है, तो इसको बड़ा ज़ोर लगा के इसका दूध निकालना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी मिल्किंग जो है बहुत हार्ड है। तो आप कीजिए वीडियो को एंजॉय। तो मैं करती हूँ मिल्किंग का काम फिनिश। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी गोट हैं चुराने के लिए लाए हैं। तो मेरे मतलब प्यारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा है कि आप बफेलो की मिल्किंग करके दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगी किसी दिन। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो थैंक्स आप सबने, जिसने जितनी मेरे प्यारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किया उसके लिए मैं थैंक्स बोलूँगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते हो, तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। तो प्लीज़ इसी तरह मेरे हौसला अफजाई करते रहिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। इसी की उम्मीद के साथ मैं अच्छे अच्छे व्लॉग लेके मिल्किंग की वीडियो व्लॉगिंग के लेके आती रहूँगी। कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी गोड की मैं मिल्किंग करके दिखाऊँ, और आपको गोड दिखाऊँ अच्छी से अच्छी। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि हम इनके बेबियों को ही दूध पिलाते हैं, गोड़ से कम ही दूध लेते हैं, इसलिए मैं छोटे से बर्तन में दूध निकाल रही हूँ प्यारे व्यूअर्स को सिर्फ दिखाने के लिए। तो मिल्किंग का जो काम है हमारा फिनिश हो गया है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। अपना, अपने बड़ों का, अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। खुश रहिए, आबाद रहे, इसी तरह मुस्कराते रहे, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।